इस वीडियो में हम समझेंगे रेजिस्टर और रेजिस्टेंस किसे कहते हैं और साथ ही जानेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टर कैसे काम करता है। रेजिस्टर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो को कंट्रोल करता है। रेजिस्टर लगभग सभी इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज होता है और किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को प्रॉपर वर्क करने के लिए रेजिस्टर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए जानते हैं कि रेजिस्टर कैसे काम करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में मेटैलिक वायर का यूज होता है। इन मेटैलिक वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब सर्किट में वोल्टेज अप्लाई होता है तब ये इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं जिससे करंट बनता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स वायर में स्ट्रेट मूव नहीं करते। ये इलेक्ट्रॉन्स वायर के पॉजिटिव आयन से कोलाइड करते हैं जिससे वायर में हीट जनरेट होता है। बार बार कोलिजन होने से इलेक्ट्रॉन फ्लो स्लो होने लगता है जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ये रेजिस्टेंस वायर की क्वालिटी और मटेरियल पे डिपेंड करता है। डिफरेंट टाइप के वायर में डिफरेंट रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। अब मान लीजिए कि इस इलेक्ट्रिक सर्किट में हम कॉपर वायर यूज कर रहे हैं जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत कम है और करंट फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हमें पर्टिकुलर वैल्यू तक की रेजिस्टेंस की जरूरत है। ऐसी सिचुएशन में हम रेजिस्टर का यूज करते हैं। वैसे तो रेजिस्टर्स कई टाइप के होते हैं लेकिन सबका बेसिक फंक्शन एक जैसा ही होता है। अब अगर हम रेजिस्टर के मेन कंपोनेंट की बात करें तो इसमें एक सेरेमिक की रोड होती है जिसे मेटालिक फिल्म से कवर किया जाता है। इस मेटालिक फिल्म में जो हेलिकल कट होते हैं वही रेजिस्टर की वैल्यू को डिसाइड करते हैं। सेरेमिक रोड को निकल की मेटल कैप से कवर किया जाता है और इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग की जाती है। जब हम रेजिस्टर में करंट पास करते हैं तब ये करंट को कंप्लीट पास नहीं होने देता क्योंकि सिरेमिक की रोड से बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स पास हो पाते हैं जिससे करंट भी लिमिटेड क्वांटिटी में पास होता है और इस तरह सर्किट में हाई वोल्टेज होने पर भी करंट को कम या लिमिटेड किया जा सकता है और रेजिस्टर की इसी प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं।